और प्रांत के प्रांत शासन प्रमुख श्रीमान श्याम बाबू जी से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुभारंभ करने की कृपा करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम शुभम दीपम नमोस्तुते। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है कि ध्यान मुद्रा में बैठें। Yeah.
जाएगी गोविंद गुण गावे से। सागर की गहराई का जैसे कोई अंत न पाए, सागर की गहराई का जैसे कोई अंत न पाए। भैया जी तेरी माया I'm not afraid।
रास रचाना याद रहा क्यों
निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। भारत माँ की है पुकार यही के सब की है ललकार यही। भारत माँ की है पुकार यही के सब की है ललकार यही। जिस गोद में पल कर बड़े हुए क्यों मान बढ़ाना भूल गए। जिस गोद में पल कर भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी मीठा मीठा छम छम करता तेरी नदियों का पानी। मस्त हवा जब लहराती है दूर दूर तक पहुंचाती है। मस्त हवा जब लहराती है दूर दूर तक पहुंचाती है। जग को मीत बनाने वाली मधुर मधुर तेरी वाणी। भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी मीठा मीठा छम छम करता तेरी नदियों का पानी। पृथ्वी ब्राह्मण त्रिड़ी रत्ता ने जल मतम सुभाषितम मूर्ख पाषाण खंडे सु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर जल भोजन और ध्वनि तीन ही रत्न है परंतु पत्थर के टुकड़े को मुख से रत्न की संज्ञा दी जाती है। आज विश्व हिंदू परिषद के सत्संग में हम सभी जानते हैं कि बड़े ही ज्वलंत प्रश्न आज हिंदुस्तान में चल रहा है। एक फिल्म जो पठान बना और जल्द ही वो रिलीज होने के कागार पे है, रिलीज होने वाली है, लेकिन उस फिल्म में जिस प्रकार से एक लड़की को भगवा रंग का कपड़ा पहनाकर कम कपड़े पहनाकर और बेशर्म रंग भगवा रंग को कहा गया, जिस भगवा रंग के ध्वज के साथ महाभारत की लड़ाई लड़ी गई, जिस भगवा रंग का वस्त्र धारण करके भगवान श्री राम वनगमन के निकले, वनगमन के लिए निकले, जिस भगवा के पीछे आज पूरा हिंदुस्तान भारत माता को परम वैभव की शिखर पर पहुंचाने के लिए ललायित है, ऐसे भगवा रंग को बेशर्म रंग कहने का जो कुंठित प्रयास बॉलीवुड के लोगों ने किया है, मैं निश्चित रूप से आज उन सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इतने गंभीर विषय को लेके आज अपना सोशल मीडिया के माध्यम से आपसी बातचीत के माध्यम से उसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हम सभी को भी चाहिए कि जिस प्रकार आजादी के बाद से ही अपने हिंदू धर्म को बदनाम करने का साजिश फिल्मी दुनिया के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पंडित को लालची, बनिया को बेईमान और ठाकुर को एक प्रकार से कह दिया जाए कि दूसरे पर प्रताड़ना देने वाला एक फिल्मों में दिखाया जाता है और कोई मुस्लिम को दिखाया जाता है कि वो बहुत हम
किसी मौलाना के पास गए तो हमारे बच्चे का तबीयत खराब था, हमारा बच्चा मरने के कागार पे था और वो मौलाना ने दुआ दे दिया तो हमारा बच्चा ठीक हो गया। ये लंबे समय तक एक जो हिंदू धर्म को हिंदू धर्म से जुड़े तमाम जातियों को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। आज पूरा देश जाग उठा है। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि अपने अपने माध्यम से इस बॉलीवुड का बहिष्कार करें ताकि अपना संस्कार सभ्यता संस्कृति सुरक्षित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था और 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये श्री रामकृष्ण परमहंस के महान अनुयायी थे। इनके जन्म के समय इन्हें नरेंद्रनाथ दत्त का नाम दिया गया था और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। अमेरिका और यूरोप में योग और वेदांत जैसे हिंदू दर्शनों की भी नींव रखी। समकालीन भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जन्म में इन्हें एक प्रमुख शक्ति के रूप में माना जाता है। ॐ जय भारत माता मैया जय thank you.
की जय। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौरव सत्या बंद हो। धर्मांतरण बंद हो। भारत अखंड हो। हरे आगामी कार्यक्रम श्रीमान अनिल जी के यहाँ तय है। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह है कि रात्रि 8 बजे अनिल जी के आवास पर पहुंचेंगे और अपने अपने साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।